नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RPSC एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, मीनाक्षी शर्मा का जो केस था, उस केस में आज जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से एप्लीकेशन लगा दी गई और वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हो गई है। उस एप्लीकेशन में बोला गया है कि ये मैटर डबल बेंच में चल रहा है। तो जज साहब ने बोल दिया कि इस मैटर को, मीनाक्षी शर्मा वाले मैटर को, तब तक के लिए स्थगित किया जाता है जब तक कि डबल बेंच का कोई डिसीजन इस मैटर पर ना आ जाए। यानी कि अब ये जो केस है, ये डबल बेंच का डिसीज़न आने के बाद ही लगेगा और एक ही दिन में ये केस फाइनल हो जाएगा और उसी दिन इस केस को जो भी मतलब डबल बेंच का डिसीज़न आएगा वही डिसीज़न इससे आएगा। तो दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है इसमें बिल्कुल भी। मीनाक्षी शर्मा वाला केस तो जो है वो स्थगित कर दिया गया है। जो साहब ने बोला है कि जो पिटीशन की कॉपी है डबल बेंच की, वो आप लगा दीजिए और ये डिसीज़न दिया जा चुका है। तो जब तक डबल बेंच से डिसीज़न नहीं आएगा, अब मीनाक्षी शर्मा केस जो है वो कोर्ट में नहीं लगेगा दोस्तों। तो ये तो हो गई इसकी बात। बाकी आपको पता है कि 9 तारीख दी गई है और 9 तारीख को दोस्तों जज साहब केस को पढ़ के आएंगे। और कल समझ में आया था उनको केस, लेकिन वही बात कि बहुत ज़्यादा लंबी बहस चल गई और उनको लास्ट में ये समझ में नहीं आया कि क्या डिसीज़न दिया जा सकता है, क्योंकि दोनों पक्ष उनको मजबूत दिखाई दिए। तो देखते हैं दोस्तों 2016 में क्या हो सकता है। बाकी केस मजबूती से पैरवी दोनों तरफ से की गई है। 60-40 मैं कहूँगा इसको, कि 60% जो है गवर्नमेंट के फेवर में और 40% जो है वो जो अलग अलग करवाना चाहते हैं उनके फेवर में ये केस है। अब देखते हैं क्या होता है। 9 तारीख को सुनवाई होगी और दोस्तों 11 तारीख को 2018 वाले केस की सुनवाई आपको पता है। और 11 तारीख को दोस्तों, आपको याद हो तो जो 2018 पे स्टे आया था, उस दिन उस ऑर्डर कॉपी में जज साहब ने ये बोला था कि 2016 का जो आउटकम आएगा उसके बाद ही 2018 को अपन देखेंगे। क्योंकि वो इसलिए बोला गया था कि उस समय जो 2016 केस था वो चीफ जस्टिस के बेंच में था, मोहम्मद रफ़ीक जी की बेंच में नहीं था। इसलिए उनको इस मैटर का और 2018 वाले मैटर का डिफरेंस पता नहीं था। अब उनको दोनों का डिफरेंस जो वो पता चल गया है कि 2016 में क्या था और 2018 में क्या है। तो कोशिश है कि 2018 जो है वो 11 तारीख को निकल जाएगा, लेकिन 2016 वाला केस है वो दोस्तों क्रिटिकल सिचुएशन में है। वो उसका डिसीज़न कुछ भी हो सकता है, वो अलग अलग भी सीटें हो सकती हैं और एक जगह भी हो सकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अलग अलग अगर 2016 में हो गई तो 2018 में भी हो जाएंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। सीटें अलग अलग 2018 में बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि नोटिफिकेशन बिल्कुल सही दिया है। गजट जो चेंज किया गया उसके अकॉर्डिंग है, RTE के अकॉर्डिंग है, पंचायती राज के अकॉर्डिंग है, गजट के अकॉर्डिंग है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है नोटिफिकेशन उसमें। और उस पर जो स्टे है वो शायद 11 तारीख को हट जाएगा दोस्तों, बाकी देखते हैं क्या होता है। और बोनस की सुनवाई 8 तारीख को है, जैसे ही कोई अपडेट आएगा आपको बताने की कोशिश करूँगा। और जो लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई अभी जो ये लगने वाली आचार संहिता, तो इसमें क्या ज्वाइनिंग हो पाएगी, तो दोस्तों एक बात तय है कि अगर जज साहब बोल दें कि इनको ज्वाइन कराओ, तो चाहे आचार संहिता लगे या ना लगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज्वाइनिंग देनी ही पड़ेगी गवर्नमेंट को। तो और ये चीज़ कल जज साहब के सामने भी लाई गई थी कि भाई सर आचार संहिता भी लगने वाली है, तो जज साहब ने भी ये बोला कि ये मुझे पता है। और वो इसके ऊपर जब ऑर्डर देंगे तो बोल देंगे कि इनको नियुक्ति दी जाए। तो आचार संहिता का आप उसके लिए डरो मत, किसी प्रकार की घबराने की उसमें ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों मान के चलिए कि 29 तारीख को इसकी सुनवाई हुई 2016 की, 3 तारीख को हुई, और 3 तारीख को जज साहब ये कंफर्म नहीं कर पाए कि भाई क्या डिसीज़न इसमें दिया जाए। तो अब इन्होंने 9 तारीख दिया, 9 को पढ़ के आएंगे, फिर सुनवाई होगी। तो उम्मीद तो यही है कि भाई जब केस समझ के आ जाएंगे जज साहब 9 तारीख तक, तब 9 को शायद फाइनल सुनवाई हो जाए। और अब ये केस लगातार चल रहा है दोस्तों, सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें सुनवाइयाँ जो हैं वो हो रही हैं, इतने महीनों से सुनवाई नहीं हो रही थी। तो जल्द ही इसका डिसीज़न निकाल के आएगा और इस हाईकोर्ट में मोहम्मद रफ़ीक जी हैं जो जल्दी डिसीजन देते हैं, और उन्हीं से उम्मीद है कि वो जल्दी डिसीजन देंगे। कोर्ट अपने हिसाब से दोस्तों नहीं चलता है, इसलिए आप बार बार ये कमेंट मत कीजिए कि अब क्या होगा, ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं हुआ है। समय पर होगा सब काम, कोर्ट के हिसाब से ही होगा। और केस की सुनवाई चल रही है, तो अब जो केस है
वो अपने हिसाब से ही सॉल्व होगा, उसमें ज़्यादा समय तो नहीं लगेगा क्योंकि सुनवाइयाँ हो रही हैं, दो सुनवाइयाँ हो चुकी हैं लगभग, तीसरी सुनवाई है 9 तारीख को, तो 9 तारीख को ये कंप्लीट होने के पूरे चांसेस हैं, और 11 तारीख को 2018 के भी कंप्लीट होने के काफ़ी चांसेस है, क्योंकि 2018 अलग 2016 से किस प्रकार से, यह बात तो कम से कम जज साहब को अब तक समझ में आ चुकी है। तो दोस्तों उससे स्टे जल्दी हट सकता है। ठीक है दोस्तों, जो भी न्यूज़ होगी अपडेट होगा आपको देता रहूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।